नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बोलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी। राम जस कॉलेज है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर राम जस कॉलेज आता है। राम जस कॉलेज की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकली हुई हैं प्रोफेशनल की, ठीक है जी। टीचिंग लाइन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है जी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। जो कि आपके लिए सबसे पहले बता दे जी, ये पोस्टें जी, ये पोस्टें अलग अलग टीचर्स की हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग पोस्टें हैं। किसकी है जी? असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि 8 जून को ये नोटिस आउट हुआ है जी। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो इस नंबर पर और मेल आईडी पर आप कंसर्न कर सकते हो। और इसमें जो पे स्केल आपका रहने वाला है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव रहने वाला है जी। 57,700 के प्लस आपका पे स्केल रहने वाला है, यानी कि स्टार्टिंग जो पे स्केल की है वो आपकी 57,700 से स्टार्टिंग है जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, किस किस कैटेगरी की। इसमें डिटेल में बात करें, जैसे एक दो की बात करें, बोटैनिक की आपको 12 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, 1 SC की, 1 ST की, 2 OBC की, 1 इकोनॉमिक विकास सेशन की, टोटल में 6 पोस्टें। और उसके बाद PWD की 1 एक्स्ट्रा पोस्ट है। इसी तरह केमिस्ट्री की 22 पोस्ट है, ST की 4 है, ST की 2 है, OBC की 6 हैं, इकोनॉमिक विकास सेशन की 1 है, टोटल में 8 पोस्टें हैं। इसी तरह सारी 14 डिपार्टमेंट है जी, 14 के 14 डिपार्टमेंट्स में सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं। किसकी हैं जी? असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं, ठीक है जी। अब बात नेक्स्ट बात करें तो इसमें किस कैंडिडेट को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भी, ये तो समझ आ गया जी। अलग अलग 14 पोस्टें हैं, जिस पोस्ट में आपने अप्लाई करना है, और इसमें आपकी आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल में आपका असिस्टेंट का आपका एक क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। और मास्टर डिग्री आपकी होनी कंपलसरी है। मास्टर डिग्री भी 55% से रिलेटिव लाइन में होनी जरूरी है, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो तो केमिस्ट्री में ही आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और केमिस्ट्री में ही आपकी PhD होनी जरूरी है, ठीक है जी। और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, जो कि UGC या CSIR से आपने क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि जो मैं पीछे भी वीडियोस आपको जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आते हैं UGC के, वो भी बता देते हैं, नेट के भी बताते हैं, CSIR के भी आपको सारे फॉर्म बताते हैं। यानी कि बंदे के पास मास्टर डिग्री हो 55% से प्लस में, आपका .NET क्लियर हो, नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो, ठीक है, जो कि UGC या CSIR के तरफ से कंडक्ट किया हुआ होना जरूरी है। और उसके साथ आपकी PhD होनी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या जी? PhD होनी भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट अप्लाई करने से पहले आपकी कंप्लीट हुई होनी जरूरी है, ठीक है। विदाउट अप्लाई कंप्लीट हुए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। PhD होनी जरूरी है, अवॉर्डेड आपके रेगुलर मोड में होना जरूरी है जी आपका PhD, ठीक है जी। और बात कर लेते हैं, ये क्वालिफिकेशन की बात होगी, बंदे के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री तो ही होगी, बैचलर होगी तो मास्टर होगी, उसके बाद PhD होनी चाहिए, और नेट आपका क्लियर होनी चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं UGC का नेट फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आप कई बार कहते हो क्या फ़ायदा है, इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। अब बात करते हैं जी, कैंडिडेट किस तरह एलिजिबल होंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टेड तैयार होगी, जो कि इंटरव्यू के लिए होगी, कोई भी आपका इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा। ग्रेजुएशन क्या आपके अगर 80% मार्क्स हैं तो 21 नंबर मिलेंगे, अगर 60 से 80% के बीच में है तो आपके 19 मार्क्स मिलेंगे, अगर SC कास्ट के हो तो 60-55% के बीच में है तो 16 मार्क्स, 45-55 के बीच में ST कास्ट के हो तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के 80 प्लस है तो 25 मार्क्स, यानी कि मास्टर डिग्री है तो 60 से 80 के बीच में है 23 मार्क्स, और अगर आप SC ST हो तो 50 के अबव हो तो 50 से 60% के बीच में हो तो आपके 20 मार्क्स मिलेंगे। MPhil या MTech के आपके 7 मार्क्स रहने वाले हैं, PhD के 25 मार्क्स, नेट JRF से आपने क्वालिफाई किया तो 10 मार्क्स, अगर नेट आपने जो कि मैंने आपको बताया था UGC या CSIR के थ्रू किया है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। और इसी की तरह आपके UGC लिस्टेड जर्नलिज्म हो तो आपके 6 मार्क्स रहेंगे,
टीचिंग या का आपका एक्सपीरियंस 2 साल के प्लस का है तो आपको 2 मार्क पर ईयर के मिलेंगे। अगर 5 साल के तो ऑब्वियसली बात है भी आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे। ये 5 साल का क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया जी, टीचिंग लाइन का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2 मार्क्स पर ईयर आपको मिलने वाले हैं। अगर कोई नेशनल अवार्ड मिला है तो 3 मार्क्स, कोई स्टेट अवार्ड मिला है तो आपको 2 मार्क्स अलग से मिलने वाले हैं। इसके बाद आपके एक्सपीरियंस, आपके ग्रेजुएशन, आपके सर्कल पर डिपेंड करेगा। उसके बाद जो मार्क्स बनेंगे उसमें आपके एम टेक एम फिल के 25 मार्क्स, JRF और नेट के आपके 10 मार्क्स और अवार्ड के 3 मार्क्स टोटल में आपके काउंट किए जाएंगे, ठीक है जी। ये 45 मार्क्स हो गए। उसके बाद एकेडमिक स्कोर 84% आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। 6 आपके रिसर्च पब्लिकेशन के, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स आपके किए जाएंगे काउंट, ठीक है। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टेड तैयार होगी, जो जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करेंगे। आपकी एम टेक होनी जरूरी है जी, JRF नेट क्लियर होना जरूरी है, और उसके बाद आपकी PhD भी होनी जरूरी है, ठीक है। ये थी मेन इंफॉर्मेशन। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर आपकी 500 रुपये जनरल OBC इकोनॉमिक विकास सेशन की रहने वाली है। SC ST और PWD कैंडिडेट हैं जो कैटेगरी के, उनकी कोई भी फीस नहीं होगी, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं रामजस कॉलेज की तरफ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये आपके क्वेश्चन हैं जो मेन क्वेश्चन है, यानी कि अगर 55% मांगी है तो 1% भी आपकी ग्रेजुएशन कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST का हो तो 5% आपको मार्क्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं जी हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का लिंक कैसे मिलेगा। ये आपको अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड करवा दिया है। फर्स्ट आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर अपना मेल आईडी कन्फर्म कीजिए, पासवर्ड कन्फर्म कीजिए, मोबाइल नंबर और जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा एंटर करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्टर्ड आईडी और आपका पासवर्ड चला जाएगा, वो यहाँ पर फिलअप कीजिए, आपका पासवर्ड फिलअप कीजिए, जो कैप्चा शो हो रहा है कैप्चा फिलअप कीजिए और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको examjobalert.com पर देखने को मिल जाएगी। मेन चीज़ें रामजस कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट है जी, इसमें PG मांगी हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई 55% से, 148 पोस्टें, कितनी जी 148 पोस्टें हैं। नेट क्वालिफाइड मांगा है और PhD मांगी है, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और 57,700 से लेकर 63,200 तक। आप कहोगे सर हमें नोटिफिकेशन में नहीं एक्सपीरियंस दिखा, अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपके मार्क्स भी लगेंगे, ठीक है जी। 1 साल के 2 मार्क्स रहेंगे, अगर आपका 3 के प्लस रहेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो 10 मार्क्स रहेंगे, यानी कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और 8 जून से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, ये पूरी डिटेल में है जी। और उसके बाद 1 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, 500 रुपये मैक्सिमम फीस है, और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल मांगी हुई है जी। SC ST PWD के लिए कोई भी नहीं है, फीमेल के लिए फीस कोई भी नहीं है, ठीक है जी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन किस कैटेगरी के लिए कितनी है, ये सारी आपको मेन यहाँ पर मैंने बनाकर दिखा दी है, ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन की बात करें तो ये सिलेक्शन मोड का सारे का सारा पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिखा दिया है। आपको PDF में जाने की आई ऑप्शन जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स की बात करें तो ये मार्क्स का पूरे का पूरा स्ट्रेटजी आपको बता दी हमने, ठीक है। आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जो हमसे छूट गई वो हमने इसमें आउट कर दी है, यानी कि हाईलाइट कर दी है। क्या चीज़ है जी, ये देख सकते हो, द एप्लीकेंट स्कोरिंग लेस देन द 50% मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी कि 100 मार्क्स में से जो आपको मार्क्स मैंने बताया ना, ये 84 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आपके आने जरूरी हैं। अगर 50 मार्क्स नहीं होंगे तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं किए जाओगे, ये चीज़ ध्यान रख के ही अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट कहता है फॉर्म आपसे फिलअप करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या अप्लाई लिंक पर क्लिक करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं जी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है, बहुत बढ़िया रही है।
इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, हमारा सहयोग कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वेब पोर्टल को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इस पर सारी अप टू डेट आपके लिए रखते हैं, वीडियो तक आपके लिए अपडेट रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब और वेबसाइट दोनों पर विजिट कीजिएगा और हमारा हौसला अफजाई जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।